200 मण और 100 मण सरसों की जगह 200 मण सरसों, इसके छोरे की नौकरी लगे, इसके एक मंजिल की जगह दो मंजिल बने, तो उसका पुण्य मिल जाता है। और पाप जब लगेगा थप्पड़ मारने पर या मारेंगे तो लगेगा। तो कलयुग इतना अच्छा है सोचने पर भी। तो मैंने कहा बाबा किसी को पैसा नहीं देना एक टका भी, आप चाहे स्नान करना चाहे मत करना, 24 घंटे में 5 मिनट ऐसे निकालने तो बैठ के दूसरे का भला सोचना है। तो मैंने जब ये कहा कि भाई इसके पड़ोसी के एक मंजिल की जगह दो मंजिल बने, उसके ये बने, तो उनको सुनते सुनते हाँ मारा माया कह सड़ा को सत्यानाश जाए पड़ोसी, मतलब दिया भी नहीं था, केवल सुनने में इतनी तकलीफ हुई। तो मैंने हिम्मत करके उनको एक दृष्टांत सुनाया, मेरे को मारा बाबा एक आप जैसा भक्त था, वो भक्त तो बढ़िया था, शिवजी का भक्त था, शिवजी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, तो उसने भोले बाबा को प्रसन्न किया, भोले बाबा ने दर्शन दे दिए, कहा भक्त तू मांग, तू मांगेगा जितना तुझे मिलेगा दुगना तेरे पड़ोसी को मिलेगा। तो उसने बड़ा विचार करके उसने कहा जी मेरी घरवाली से पूछूंगा क्या मांगना है। घरवाली को पूछा तो वो भी उसकी जैसी थी, उसने विचार करके कहा जी दुगना पड़ोसी को मिलेगा तो ये तो कैसे सहन होगा, अपने जैसा कहोगे ऐसे मांग लेना कि एक आंख फूट जाए मेरी, तो पड़ोसी की दोनों फूट जाएगी तो उसका धनी तो कुएं में ही पड़ जाएगा, आप तो एक से काम चल लेना। तो कलयुग में ये विचार करना ये कोई हंसने की मजाक का विषय नहीं है। हम बैठे बैठे एक बार तो शत्रु के भला की सोचें, उसका होगा कि नहीं होगा, लेकिन अपना जो भला है वो तो निश्चित रूप से होने ही वाला है। लेकिन ये जो चिंतन कब हो सकता है इसके एक बहुत बड़ा रहस्य है। हम सभी जितने देवी देवताओं को पूजते हैं, भगवान के अवतारों को पूजते हैं और संतों को पूजते हैं, वो सब सारे मिलकर के एक चीज को पूजते हैं, उसको कहते हैं गोमाता। मैंने अभी पिछले 2.5 साल में बहुत सारे प्रयोग किए हैं, 2.5 वर्ष से मैं अन्न नहीं खाता हूं, यानी रोटी चावल दाल नहीं खाता हूं। यदि पैदल चलूं तो 30 किलोमीटर के बाद ब्रेक लगते हैं, 30 किलोमीटर के बाद थकान होती नहीं 18 घंटे। ये सब है गो महिमा, इसके प्रत्यक्ष प्रयोग किए। कोई भी आप में से बैठा हो, जैसे 8% जिसके स्टेंट डलने हो या डल गए हो, जिसके बाईपास सर्जरी होनी है, आज तक कोई आया मेरे पास उसकी बाईपास सर्जरी नहीं हुई है न उसके कोई स्टेंट डले हैं, उसके लिए तो आप कभी भी कोई यहाँ शिविर लगाए तो उसकी ट्रेनिंग जो भी है वो दे सकता हूँ। शुगर जिसको कहते हैं डायबिटीज, वो जड़ से ठीक होती है, उस सबके पीछे कारण है गोमाता, जिसको सारे संत पूजते हैं और सारे भगवान अवतार, भगवान कृष्ण ने जिसको हम पूजते हैं, उसने गाय को पूजा, गाय को चराया, तो उसके ऊपर बहुत बड़ा रिसर्च किया हमने। हिमालय में एक ऋषि के पास रहे, गुजरात में कुछ वो है विशेषज्ञ उनके पास रहे, तो उसके प्रैक्टिकल प्रयोग किए, उसमें इतने गुण है देसी गाय में, इतने गुण है, कोई सा भी रोग हो, 80 प्रकार के बात रोग, 40 प्रकार के कफ के रोग और पित्त के रोग, ये सारे रोग केवल गाय के पंचगव्य से ठीक होते हैं। और मैं जो भी औषधि देता हूँ केवल पंचगव्य बताता हूँ, गाय घर में है क्या। उसके हमने एक प्रयोग किए, अभी जो अपने भगवान की भक्ति, गुरु की भक्ति, संत की भक्ति, ये तो जब हो जाओ अपना मन निर्मल हो, मन निर्मल जब होगा जब हमारा भोजन सही होगा, भोजन के कारण सारा मामला बिगड़ा हुआ है। अभी कोई कह दे देसी घी कहां मिलता है तो बहुत मुश्किल काम है, कहीं भी नहीं मिलता, मैं कहता हूं कहीं भी नहीं मिलता। आज से 40 वर्ष पहले यदि कोई गांव में कोई देसी घी का कार करना पड़ता था, यानी मण दो मण पांच मण घी है, तो कई गांव में से 10 किलो 20 किलो 40 किलो घी लाके इकट्ठा करके जब देसी घी होता था। आज अपन जितने भी लोग बैठे हैं, अपन चाहे तो एक एक ट्रक घी का 2 घंटे में ला सकते हैं, इतना घी पड़ा है बाजार में, जबकि पशुधन घट गया। पशुधन तो है ही नहीं, तो चर्बी का, तेल का, दवाइयों का कैसा बन रहा है, जिसकी दाल बाटी चूरमा, हम भारत के चूरमा खा रहे हैं, तरह तरह के पकवान, देसी घी की मिठाइयां, शुद्ध देसी घी, ये कहीं नहीं है। हमारी जो दुर्गति होने का सबसे बड़ा कारण है वो गोमाता। मैं शुद्ध किसान भी हूँ और एक गाय के गोबर से 2-4 एकड़ जमीन में खाद पर्याप्त हो जाता है, वो खेती करने का ट्रेनिंग देना जानता हूँ, जयपुर प्रांत का प्रशिक्षण प्रमुख हूँ, किस प्रकार गोबर गोमूत्र से खाद बनती है, जो एक एक गाय का गोबर गोमूत्र से ही 10 बीघे में दे लो और पर्याप्त रहती है, उस खेती की विधियां हम जानते हैं। तो उस सबका कारण था कि पहले हम गाय के ऊपर निर्भर थे, उससे खेती करते थे, अब हमने गाय को छोड़ दी सड़क पर लटकाने के लिए, इसलिए हमारी दुर्गति होना सुनिश्चित है। उसके बहुत सारे प्रयोग किए हमने,
आपको कोई दुर्लभ प्रयोग बताता हूँ, आप करके देख लेना। किसी भी बहू बेटी के जब डिलीवरी होने वाली हो तो डॉक्टर ये कहे इसके सीजरिन ऑपरेशन होगा, बिल्कुल डॉक्टर को मना कर दो, उसको गाय के गोबर का रस। अब आपको लगे गाय का गोबर उसका रस कैसा होता है, वो खाने का होता है क्या? अभी यदि कोई देसी गाय हो तो मैं बताऊं, मैं एक समय में 250 ग्राम घी, 250 ग्राम गोबर का रस, 250 ग्राम गोमूत्र, 250 ग्राम दूध और 250 ग्राम छाछ, वो मिला के 1.25 लीटर एक समय में पी लेता हूँ। 24 घंटे कुछ नहीं खाता और थकान होने का कोई काम नहीं है। देसी गाय की छोटी आंत 180 फीट लंबी होती है, यदि उसको जहर दे दोगे तो वो दूध में, गोमूत्र में और गोबर में नहीं जाएगा। गुजरात में हमने एक प्रयोग किया था, 6 साल तक एक गाय को संखिया नाम का जहर थोड़ी थोड़ी मात्रा में दिया, वो उसके गले में रिंग के रूप में जम गया, लेकिन उसके गोबर गोमूत्र का लेबोरेटरी में टेस्ट हुआ वो उसमें बिल्कुल नहीं आया और वो दूध की बिल्कुल शुद्ध था। तो उसमें ऐसी करामात है, उसके गोबर का रस कोई कपड़े में छान करके, ताजा गोबर होना चाहिए, 50 ml 40 ml उसको पिला दो, उसके नॉर्मल डिलीवरी होगी। आज तक मैंने तो सैकड़ों प्रयोग किए हैं, कभी कोई ऑपरेशन से हुआ नहीं। कैसी भी खाज, खुजली, दाद, एक्जिमा वो हो, वो गोबर के लेप से, जिसमें सोराइसिस कहते हैं, डॉक्टर कहते हैं सोराइसिस तो मरने के बाद ही ठीक होता है, हमने सैकड़ों लोगों का सोराइसिस ठीक किया है गोबर के लेप से, उसमें सल्फर की मात्रा होती है, ये सोराइसिस बिल्कुल 100% ठीक हो सकता है। क्योंकि ये तो प्रत्यक्ष, मैं जो भाषण बोल रहा हूँ रट के नहीं बोल रहा, प्रत्यक्ष जो करता हूँ ना, अभी आपके पास हो तो मैं ऐसे ही बैठे बैठे 1 लीटर 0.5 लीटर जो है बहुत सारी चीजें गोबर गोमूत्र मिला के सब पी लेते हूँ। अब गोबर गोमूत्र क्या है वो समझो, जिसको हम अमृत कहते हैं ना, अमृत, अमृत में 33 रसायन होते हैं। वैज्ञानिक पद्धति पढ़े लिखे डॉक्टर कंपाउंडर कोई बैठे हो तो बाद में मेरे से तर्क कर सकते हैं, 33 रसायन ऐसे होते हैं साल्ट, उनसे अमृत बनता है और अमृत पीने के बाद में आदमी अमर हो जाता है, मरता नहीं है, यानी वो बीमार नहीं होता। तो इसको वैज्ञानिकों ने क्या प्रयोग किया, अलग अलग साल्ट, जो सल्फर, कार्बोनिक एसिड, अमोनिया, अमोनिया गैस, ये तांबा, लोहा जो भी है, सबको मिला करके देखा तो उनमें अलग अलग क्रियाएं होने लग गई। ये पूरे 33 के 33 साल्ट पंचगव्य में होते हैं, पंचगव्य यानी गाय का दूध, घी, गोबर, गोमूत्र, ये सब 18 इसमें होते हैं, गोमूत्र में सारे मिला के 33 होते हैं। और ये 33 में यदि शहद मिला दे उसको खा ले तो उसके कोई वो अमृत है। तो इसमें ये साल्ट ऐसा नहीं भाई, कोई हिंदुओं ने कहना था कि एक जानवर को माता कहना था, गाय को माता कह दी इसलिए तिलक लगा दो, ऐसा नहीं है। भगवान कृष्ण ऐसे बावड़े नहीं थे भाई, बकरी नहीं चराई उन्होंने, गाय ही चराई, क्यों चराई? तो इस सबके पीछे रहस्य है, उसके कारण ही जो गाय का दूध पिएगा भगवान का भक्त बनेगा, वो संत बनेगा, महात्मा बनेगा, अच्छे काम करेगा। अभी जो अपनों को पता है ना, अपने भाई भाई के लाठी मार रहा है, उसको पड़ोसी को मार रहा है, उसको मार रहा है, इस सब का कारण अपना खान पान है। कोई कोई भी सभी दूध नहीं पिए तो अच्छी बात है, लेकिन भैंस का दूध पीने वाला कब अपने भाई के लाठी मार देगा और पिताजी के सामने आंख दिखा देगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, प्रयोग करके देख लेना। और देसी गाय, गाय का मतलब देसी है, ये जर्सी होलिस्टिक नहीं है। तो इसके बहुत सारे ऐसे प्रयोग, एक प्रयोग हमने बस्सी में किया, दोनों पति पत्नी का रंग था काला, बिल्कुल ब्लैक, कड़ेली का जैसा। उसकी पत्नी को गर्भ धारण करने के बाद में 9 महीने तक चांदी के गिलास में दही जमा के गाय का खिलाया। उसकी विशेषता यह है कि उसकी जो संतान होगी उसकी 3 विशेषता होगी, वो अत्यंत गौरवर्ण की होगी, नंबर 1 अत्यंत सुंदर होगी, ये आपके हीरो हीरोइन कुछ भी नहीं है उसके सामने, और अत्यंत बुद्धिमती होगी, IAS बन सकता है वो, ये 3 विशेषता होगी। वो काले होंगे तब भी वो गोरा होगा, बुद्धिमान होगा, अत्यंत सुंदर होगा। ये है गाय की करामत। बहुत सारी चीजें, 10 ग्राम गाय के घी को जलाने से 1 टन ऑक्सीजन बनती है। किसी के ऑक्सीजन का पाइप लगा रखा, उस पाइप को निकालो और उसमें गाय का दीपक जला दो घी का, लेकिन घी कैसा होना चाहिए, अपने से नहीं, बाजार में गोरस भंडार का लिया, ये कोई से भंडार ठीक नहीं है। भंडार वो ठीक है, अपन गाय पालते हैं, मैं खुद जयपुर में रह करके और 3 गाय पालता हूँ, कोई चाहे तो जाके देख सकते हैं। ऐसी Oh,
आप तू दे मेरा तो सभी भक्तों से निवेदन है कि हम संतों की भगवान की और जो अच्छी अच्छी बातें हैं उनको सुन करके सुनने से चार घंटे की बात सुने तो एक मिनट की बात यदि जीवन में उतारेंगे तो हमारा सत्संग में आना सत्संग करना बहुत अच्छे भजन गाना भजन सुनना वो सब सार्थक होगा। इसी आशा के साथ मैं सभी के श्री चरणों में प्रणाम करता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूँ आगे भक्तों के लिए। हरिओम। बहुत सुंदर अभी हमारे श्रीमान बहादुर सिंह जी से आप सुन रहे थे। निवेदन करूंगा श्रीमान मनोहर जी।